हाय गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वॉचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं जॉब्स के बारे में, लेकिन मैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स के बारे में आज बात नहीं करूंगी। आज मैं जॉब के बारे में बात करूंगी तस्मानिया स्टेट में। मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि भाई अगर हम लोग स्टडी के लिए तस्मानिया को चूज करें तो क्या हमें वहाँ पर जॉब्स मिल जाएंगी। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को बता देती हूँ कि तस्मानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक रीजनल स्टेट है और ये सबसे छोटा स्टेट माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का। पॉपुलेशन यहाँ की बहुत ही कम है, लगभग 7 लाख लोग रहते हैं बस तस्मानिया में, इससे ज़्यादा नहीं है। एंड यहाँ की जो मेजर सिटीज़ हैं उसमें देखिए, सबसे पहले नंबर पर आती है इसकी कैपिटल सिटी, दैट इज़ होबार्ट। सेकेंड नंबर पर आती है लॉन्सेस्टन। थर्ड नंबर पर है डेवनपोर्ट और फिर है ब्रूनी। और उसमें से भी जो टोटल पॉपुलेशन है ना तस्मानिया की, उसमें से आधी जनता तो बिल्कुल होबार्ट में ही रहती है। तो चलिए, तस्मानिया के बारे में डिटेल में तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि कैसी लाइफस्टाइल है और क्या है। आज बात करते हैं जॉब के बारे में। तो देखिए, अगर तस्मानिया लोग आते हैं तो दो रीज़न होते हैं। पहला तो स्टडी के लिए कि भाई पर्टिकुलर कोर्स जो है वो उन्हें यहाँ पर मिल गया है, और एक रीज़न होता है कि भाई चलो रीजनल एरिया है तो इसे चूज़ कर लेना चाहिए। फिर ये होता है कि अदरवाइज लोग यहाँ आते हैं पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार होता है कि आपने मेट्रो सिटीज से जो है अपनी स्टडी की है, वहाँ पर फिर आप लोग पीआर का ट्राई करते हो, नहीं हो रही होती है, तो फिर लोग चूज़ करते हैं कि चलो किसी रीजनल एरिया में जाया जाए। और इन्हीं रीजनल एरियाज़ में से मोस्टली लोग चूज़ करते हैं तस्मानिया को, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली जो पीआर है वो ईजी है मिलना। तो यही वो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से मोस्टली लोग तस्मानिया में आते हैं। नाउ गाइज, अब आप सोच सकते हैं ना कि अगर लोग तस्मानिया में आ रहे हैं पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली जॉब्स तो वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना जॉब के तो स्किल असेसमेंट नहीं होगा, स्किल असेसमेंट नहीं होगा तो पीआर का प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा, राइट। सो गाइज, तस्मानिया में जॉब्स तो हैं। आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेट, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। तो आज हम लोग दोनों टाइप की जॉब्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उस केस में तो देखिए आपको शुरुआत में जो जॉब्स चाहिएंगी वो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब चाहिएंगी, क्योंकि आप लोगों के वीज़ा कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग केवल 24 आवर्स ही यहाँ पर जॉब कर सकते हो। तो शुरुआत में जो आप लोग जॉब करोगे वो तो किसी भी टाइप की जॉब हो सकती है, राइट, आप फुल टाइम जॉब्स कर नहीं सकते। एंड सेकेंड कैटेगरी होगी जॉब की, ये कि जब आपकी स्टडी फिनिश हो जाएगी, स्टडी फिनिश होने के बाद जब आप लोग अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करोगे, उसके बाद आप लोगों को चाहिएगी फुल टाइम जॉब, ताकि आप जॉब का एक्सपीरियंस लो और फिर आप अपना जो असेसमेंट है वो करवा सको और फिर आप अपना जो पीआर का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सको। सो गाइज, अब सबसे पहले बात करते हैं कि तस्मानिया में किस टाइप की जॉब्स सबसे ज़्यादा हैं। तो नंबर वन पर आती है यहाँ की हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस, उसका परसेंटेज है 41.6। नेक्स्ट नंबर पर आती है रिटेल वाली जॉब्स, जिनका परसेंटेज है 29.6। थर्ड नंबर पर आती है यहाँ पर अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज। फोर्थ नंबर पर आती है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एंड फिफ्थ नंबर पर आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये वो 5 मेन सेक्टर हैं जिनमें बहुत सारी जॉब्स जो है वो अवेलेबल यहाँ पर होती हैं। बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स भी हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल एंड टूरिज्म। टूरिज्म इंडस्ट्री में भी यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। वेयरहाउस की जॉब बहुत सारी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी जॉब्स हैं, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में बहुत सारी जॉब्स हैं। एंड गाइज, यहाँ पर आपको हर टाइप की जॉब मिल जाएगी, पार्ट टाइम भी मिल जाएगी, कैजुअल भी मिल जाएगी, फुल टाइम भी मिल जाएगी, और जो सीजनल जॉब्स होती हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं जब आप एज ए स्टूडेंट तस्मानिया में आते हो उस टाइम पे आपके लिए जॉब मार्केट कैसा है। तो देखिए गाइज, उस टाइम पर आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। सुपरमार्केट एंड ग्रोसरी वाले जो स्टोर्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। कोल्स है, वूलवर्थ है, बिग डब्ल्यू है, टारगेट है, के मार्ट है, काफ़ी सारे यहाँ पर स्टोर्स हैं। तो उन सब में हमेशा ही ऑलमोस्ट अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, वेबसाइट के थ्रू भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि बेस्ट थिंग होती है कि आप पर्सनली जाओ, बार बार जाओ उन स्टोर्स में और पूछो कि क्या अवेलेबल है या नहीं है। इस तरह से जो जॉब्स हैं उनका मिलना बहुत आसान होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने से चांसेस बनते हैं, बट आपका पर्सनली जाके मिलना, फेस टू फेस बात करना,
उससे आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सेकंड नंबर पे देखिए, फार्मास्यूटिकल स्टोर्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, मोटर व्हीकल स्टोर बहुत सारे हैं, वहाँ आप लोग जाके ट्राई कर सकते हो। रेस्टोरेंट और कैफ़े ये यहाँ पे बहुत सारे हैं। रेस्टोरेंट तो यहाँ पर इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी, चाइनीज, थाई, मलेशियन, हर तरह के रेस्टोरेंट आपको तस्मानिया में मिलेंगे। बिकॉज तस्मानिया एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफेज और होटल्स भी यहाँ पर हैं, बड़े छोटे सब मिलेंगे आपको, मोटल्स मिलेंगे और लॉज्स मिलेंगे। और इन सभी जगह पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। सो गाइस देखिए, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जॉब की कमी तो नहीं है, बस यही है कि आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया आते ही आप लोगों को कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है वो कर लेने चाहिए, क्योंकि उनको करने से आप लोगों के लिए जॉब्स का जो मिलना है थोड़ा सा इजी हो जाएगा और जॉब के चांसेस भी आप लोगों के थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगी। तो वो बहुत छोटे छोटे से कोर्सेज हैं, एक दिन का कोर्स, 6 घंटे का कोर्स, इस तरह के कोर्स हैं, जैसे कि बरिस्ता, आरएसए, कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। तो आप लोग ये कोर्सेज कर लीजिए और फिर आप लोगों को क्या है ना, जॉब में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। डिलीवरी जॉब्स की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारे डिलीवरी जॉब्स अवेलेबल हैं। सैलून्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो अगर आप नेल आर्ट जानते हैं, आपको हेयर कटिंग आती है, हेयर स्टाइलिंग आती है, मेकअप आर्टिस्ट अगर आप हैं, तो आप लोगों को इजीली यहाँ पर पार्ट टाइम्स जॉब जो है वो मिल जाएंगी। बिकॉज हमेशा ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओपनिंग्स रहती है। आप लोगों को बस करना यही है कि भाई घर पे बैठना नहीं है, टाइम टू टाइम आप लोगों को विजिट करते रहना है, देखते रहना है कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और कहाँ पर आप जो है वो फिट हो सकते हो, कौन सा जॉब, कौन सा रोल आप लोग कर सकते हो। एंड गाइज देखिए, मिनिमम वेज रेट अभी ऑस्ट्रेलिया में है $23.23, तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड गाइज देयर इज वन मोर थिंग कि आप लोगों को कभी भी कैश इन हैंड वाली जॉब्स नहीं करनी है, बिकॉज वो कंसिडर होती है इलीगल जॉब्स, क्योंकि देखिए आपके जो कैश आपको मिल रहा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप टैक्स भी फाइल नहीं करोगे, तो इसीलिए वो इलीगल कंसिडर होती हैं। और अगर इन एनी केस कभी फ्यूचर में पकड़े गए तो देखिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा काम करना ही नहीं है। आप लोगों को अगर यहाँ जॉब करनी है, जो भी आप जॉब करेंगे, तो या तो आपको ABN पे जॉब करनी है या फिर आपको TFN पे जॉब करनी है। सो गाइज ये तो हो गई पार्ट टाइम जॉब्स की बात, कि जब आप लोग स्टडी कर रहे हो तो आप लोग किस किस टाइप का जॉब कर सकते हो। देखिए जॉब्स तो बहुत सारी है, मैंने सारी जॉब्स के नाम तो नहीं लिए हैं, आप पेट्रोल पंप पे भी जॉब्स कर सकते हो, बहुत सारी जॉब कर सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी स्टडी फिनिश हो गई है और आप फुल टाइम जॉब्स देख रहे हो, तो उस केस में आप लोगों के लिए क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब आप फुल टाइम जॉब देख रहे हो तो उस टाइम पर देखिए आपको जॉब ढूंढनी है अपने फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें भी आपने स्टडी की है आपको उसी सेक्टर में जॉब ढूंढनी है। सो गाइज कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वाली जॉब्स तो यहाँ पे काफी सारी हैं, अगर आपकी स्टडी इनसे रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएंगी। इंजीनियरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, इसकी भी काफी सारी जॉब्स हैं। IT सेक्टर में भी यहाँ पे जॉब है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, उसमें भी आपको काफ़ी सारी जॉब मिल जाएंगी। यूटास में आपको जॉब मिल सकती है, जो यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया है, वहाँ मिल सकती है आपको। TEF में जॉब मिल सकती है। एंड गाइस TEF जो है वो काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाता है, तो अगर आप लोग अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं या एड ऑन कुछ अपने CV में करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यहां से शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं। मार्केटिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और कस्टमर सर्विस वाली, इन जॉब्स की भी देखिए तस्मानिया में कोई कमी नहीं है, काफी सारी जॉब्स यहां पर अवेलेबल हैं। एज केयर सेक्टर, डिसेबिलिटी, नर्सिंग अगर आपने की है, सोशल वर्कर या केयरर, तो ये सारी जॉब हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं और इन जॉब्स की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको फुल टाइम जॉब मिल जाएगी। अगर आपने मरीन साइंस से रिलेटेड स्टडी की है तो उसके लिए भी तस्मानिया इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको जॉब मिल जाएगी, अकाउंटिंग में भी आपको जॉब मिल जाएगी, रियल एस्टेट में भी आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, IT सेक्टर में भी आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। मैं आप लोगों को कुछ कंपनीज के भी नाम बताऊंगी और उनकी वेबसाइट्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग उन वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो, उन कंपनीज को चेक कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ की बहुत ही बड़ी और मेजर कंपनीज हैं जिनमें हर टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर जो वेबसाइट है तस्मानियन गवर्नमेंट की, वो है tes.gov.au, लिंक भी मैं नीचे दूंगी, तो आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसमें हर सेक्टर की आप लोग को जॉब मिल जाएगी, हेल्थ केयर वाली भी मिल जाएगी, टूरिज्म वाली भी मिल जाएगी, एजुकेशन सेक्टर वाली भी मिल जाएगी, हर सेक्टर की जॉब जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। नाउ गाइस तस्मानिया की जो नेक्स्ट बिग कंपनी है दैट इज हाइड्रो तस्मानिया,
and this is Australia's largest generator of clean and renewable energy. ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और इसमें भी हर टाइप की जॉब मिल जाएगी, HR से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड. तो इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, इसको देखो और अपने सेक्टर की जॉब जो है इसमें ढूंढ लो. नेक्स्ट बिग कंपनी है नाइस्टर होबार्ट. सो दिस इज अगेन अ माइनिंग कंपनी. तो यहाँ पर भी अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी. नेक्स्ट कंपनी है नॉर्थकेस कॉर्प. तो ये बनाती है बेसिकली पेपर्स. सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग कंपनी और यहाँ पर भी आपको काफी सारी जो जॉब्स हैं उसके ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो इन वेबसाइट्स को थोड़ा एक्सप्लोर करते रहिए, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यहाँ पर देखिए अगेन टेलीकॉम की कंपनी है, टेलस्टा यहाँ पर है, वोडाफोन भी यहाँ पर है. यहाँ पर भी देखिए आपको कस्टमर केयर से रिलेटेड जॉब मिल जाएंगी, एडमिन से रिलेटेड जॉब मिल जाएंगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब आपको हर कंपनी में मिल जाएगी जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताई है. नेक्स्ट इज योर बैंकिंग सेक्टर. सो गाइज, बैंकिंग सेक्टर में भी काफी सारे बैंक्स यहाँ पर है. कॉमनवेल्थ बैंक है, बेंडिगो बैंक है, सनकॉर्प बैंक है, वेस्टपैक बैंक है. इनमें आप लोगों को बस वेबसाइट को देखते रहिए, इसमें भी आप लोगों को काफी सारी जॉब्स मिल जाएंगी. अगेन कस्टमर केयर की भी होगी, एडमिन वाली भी होगी, HR वाली भी होगी, मैनेजमेंट वाली भी होगी. आप अपनी जॉब इंश्योरेंस कंपनीज में भी ढूंढ सकते हैं, बोपा में देख सकते हैं, मेडीबैंक में देख सकते हैं. नेक्स्ट इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन की कंपनी है, दैट इज अ सेज ऑटोमेशन. तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप अगेन इस कंपनी को भी विजिट कर सकते हैं. इसमें भी टाइम टू टाइम काफी सारे जॉब के ऑप्शंस निकलते रहते हैं. सो गाइज, कंपनीज काफी सारी हैं, मैंने कुछ आप लोगों को बताई हैं. अगर आप लोग गूगल पर भी डालेंगे तो आप लोगों को अपने सेक्टर से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. एंड गाइज, जॉब के लिए अगर आप लोगों को वेबसाइट्स देखनी है तो आप सीक देख सकते हैं, इंडीड देख सकते हैं, ग्लास डोर देख सकते हैं. फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर काफी हैं, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को मिल जाएगी. वन कंपनी इज प्योर फूड तेज प्राइवेट लिमिटेड. तो काफी सारे ऑप्शंस हैं, देखिए. सो गाइज, मैंने ये आपको कुछ सेक्टर्स की कुछ कंपनीज लिस्ट आउट करके बताई हैं. ऑप्शंस यहाँ पर काफी सारे अवेलेबल हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा. एंड आई नो कि अगर आप बिग सिटीज से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली तस्मानिया में इतने जॉब ऑप्शंस नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जॉब मार्केट है ही नहीं. जॉब मार्केट है, इसीलिए एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल यहाँ पर आते हैं ताकि वो जॉब कर सके और फिर वो अपनी PR अप्लाई कर सके. सो गाइज, तस्मानिया इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन जहां पर आप स्टडी कर सकते हैं, आप अपनी जॉब कर सकते हैं, आप अपना वर्क लाइफ और अपनी प्राइवेट लाइफ जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. अगर आप लोगों के कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर.